शादी की डेट फिक्स हो गई है माशाल्लाह, और एक माह के बाद शादी है। कुत्ता उड़ा, कहाँ उड़ा? कुत्ता उड़ा, कुत्ता नहीं उड़ता, एक उड़ा मार रहा नहीं मार रहा। सॉरी बोलो, सॉरी उधर कैमरे में देख के, सॉरी 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 उधर उधर सॉरी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिस्त्री भाई भी लगे हुए हैं। आपको पता है ये मौसम जो आ गई है ना, एक माह ये अगला माह होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गांव के अंदर वैसे भी धूप और धूल मिट्टी हवा भी चलती है तो गर्मी होती है। अभी ये देखें कि कितनी धूप निकली हुई है बाहर, फुल मौसम गर्म है। और भाई साहब जूते उतार के लगे हुए हैं। क्या बना रहे हैं आज? दराज। दराज बना रहे हैं, आज भी बन रहे हैं इनके दराज। दो ये लगेंगे, एक दो तीन, और ये सामान आया पड़ा है जी इनका। कल मैं गया था ना, कुछ सामान जो बचता था वो लिया था। और ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसको यहाँ पे लगाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, लगाना चाहिए या नहीं, ऐसे या ऐसे ही इसका फुल शीशा लगाएं। ये आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है मुझे, इसका फुल शीशा लगाएं या इसको यहाँ पे ऐसे लगाएं। ये देखें, और नीचे यहाँ पे पैप लगेगा, ये गुलाई में लग जाएगा। तो ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है लाजमी। तकरीबन अब एक दो दिन का काम रह गया है बस, ये दराज फाइनल हो जाए तो बस काम ख़त्म हो जाएगा। कड़ाकेदार गर्मी है, कड़ाकेदार धूप है, नहाने के बाद भी पसीना पसीना है बंदा। चिड़ी भी तोता उड़ा, खोता उड़ा, खोता उड़ दे, खोता कहीं नहीं उड़ता। चिड़ी उड़ी, तोता उड़ा, कहाँ उड़ा? कुत्ता उड़ा, कुत्ता उड़ा, कुत्ता नहीं उड़ता, एक उड़े मार रहा नहीं मार रहा। सॉरी बोलो, सॉरी उधर कैमरे में देख के, सॉरी 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 उधर 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 सॉरी। हाँ चलो आ जाओ, चलो। चिड़ी उड़ी, कवा उड़ा, बत्तख उड़ी, बकरी उड़ी, बकरी नहीं उड़ती यार, हर बार यार फंस जाते हो। सॉरी बोलो उधर, सॉरी बोलो थोड़ी। हाँ चलो दोबारा आओ। चिड़ी उड़ी, उकां उड़ा, उकां तो दरख्त होता है, उकां का वो तो नहीं उड़ता। चलो भाई माफी मांगो अब, कोई नहीं, इनको थप्पड़ मारने हैं, मारना है इनको थप्पड़ मारने हैं। चलो मारो, इधर आओ उस्मान, इधर बैठो उस्मान, मारे को नहीं नहीं इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, चलो चलो मारो इसे, इधर मारो, इधर मारो, इधर मारो, पांच 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 ही साइड में। ओए होले होले होले, एक मिनट इधर आ, ना 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 चल, तू ही तू ही तू ही तू ही इधर, इसके टकले पे मारो, चलो चलो चलो। दो तीन। अच्छा यार उस्मान ना किसी को अगर मारते हैं तो वो बहुत परेशान होता है, ठीक है ना? वो कहते हैं लड़ाई नहीं करनी भाई, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, चलो नहीं करते, चलो सॉरी बोल दो सबको, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, सब 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 सॉरी बोलो भाई, सॉरी बोलो सब, सॉरी बोलो, इधर इधर दिखाओ भाई इधर, सब सॉरी बोलो, सॉरी बोलो इधर, सॉरी बोलो, सॉरी इधर इधर देख के, सॉरी बोलो, चलो सॉरी सॉरी सॉरी, तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही।
अच्छा भाई मैं आप ही के घर आया हुआ था, यहाँ पे बच्चे बैठे थे, थोड़ा सा इनके साथ खेले कूदे हैं, बच्चों को एंजॉयमेंट करवाया क्योंकि बच्चे बोर हो रहे थे अंदर पर। वो कह रहा था कि चिड़ी उड़ी तोता उड़ा खेले, तो उस्मान की बात मान के हम लोगों ने चिड़ी उड़ा तोता उड़ा खेले। गड़े। वो दूसरी गेम पे होती है उस्मान, इधर हाथ रखो। हाँ वो क्या होती है सिनेमा? हाँ असु पंजुहार कबूतर, असु पंजुहार कबूतर डोली डोली होता है डोली। अच्छा भाई अब शाम को मिलते हैं, ओके बाय। गर्मी ने ना मत मार के रखी हुई है। आप ही के घर से मैं वापस आ गया था, नहाया हूँ, अभी फ्रेश हुआ हूँ, तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमारे घर का काम कितना हुआ है। आज बिल्कुल ही मामूली सा काम हुआ है, जो काम हुआ है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। और बाकी आप ही ने ना अभी सफाई की है, मैंने रोका है आप ही को कि आज सफाई ना करो, सुबह सुबह कर लेना क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ही ने कहा नहीं भाई, गंद खराबा मचा हुआ है तो सफाई लाजमी मैं करूँगी। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी है। तो वैसे अभी मौसम कुछ अच्छा हो गया है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। ये देखिए इस साइड से बादल वगैरह भी आ गए हैं, बाइक पे वैसे मिट्टी आ गई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये साइड पूरी की पूरी साफ़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ही ये सामान बच गया है, बाकी जो बच गया है ना, ये शीट जो बची हुई है इसकी हम लोग बनाएंगे इस्त्री वाली टेबल, बाकी जो बचे हुए हैं वो अंदर ही लग जाएंगे। ये देखें जी कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। आज इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, फिर भी आपको पता है कि मजदूरी जो होती है ना, मजदूर की जो काम करने वाला मिस्त्री होता है वो पूरी लेता है। तो ये दो बस दराज बने हैं इसके, और सामने हमने इसकी ये शीट लगानी है। ये देखें ये कंट्रास्ट हो जाएगा, थोड़ा प्यारा लगेगा, ये ऐसे लग जाएगी, ये सामने लगेगा तो ये प्यारा लगेगा। वैसे बेडरूम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया है, लेकिन जो दराज बचे हुए थे ना वो लगाने थे। तो ये देखें जी ये तीनों दराज इसके बन गए हैं, ये कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीन दराज बन गए हैं माशाल्लाह। ये शीट जो लेकर आए थे, इनका जो कचरा बचा है वो आपको दिखाता हूँ वो किस जगह पे रखा है। ये देखें ये एक साइड पे रख दिया है, तो ये आग जलाने के काम भी आएगा और चौकियाँ वगैरह बनाने के भी काम आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्नीचर का जो काम है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो दो तीन दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे घर में फर्नीचर का कोई काम नहीं होगा, और उसके बाद रह जाएगा कि डोर पॉलिश करवाने हैं, तो वो देखेंगे कि पॉलिश किस तरह की करवानी है, क्योंकि पॉलिश मैंने पहले जो पसंद की थी वो अब नहीं करवानी, काफ़ी जगह पे मैंने देखी है वो ख़राब हो गई है। तो डोर अच्छे बने हुए हैं आपको पता है कि बाकी जो है ना इस पे पॉलिश भी अच्छा करवाएंगे, और जहाँ जहाँ से पेंट वगैरह का भी काम है वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे। नीचे नीचे ये देखें जो ख़राब हुआ खड़ा है ना, ये जैसे है तो ये पेंट भी कराएंगे। तो इस मिस्त्री से ये पॉलिश नहीं होती, मिस्त्री और लेकर आने पड़ेंगे, तो वो फिर देखते हैं एक दो दिन के अंदर अंदर। और बाकी जो बच गए हैं ना ड्रेसिंग का शीशा, और बाकी जो शीशे किचन में एक शीशा लगाना है, ड्रेसिंग का एक शीशा है और दूसरे रूम का भी एक शीशा है, दो ड्रेसिंग है ना उनके शीशे और एक किचन का शीशा, तीन शीशे लेकर आने पड़ेंगे, वो भी लगाएँगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे कि वसीम भाई का शीशा टूटा है तो आपने लगाया ही नहीं है, तो ये भी आपको पता है मैं भावलपुर भी गया हूँ, वहाँ पे ये नहीं बना। तो उन मिस्त्रियों ने मुझे बोला कि ये शीशा जहाँ से आपने बनवाया था ना, मैंने बनवाया था मुल्तान से, तो वहीं पे आर्डर दें, ये फिर कराची से तैयार होके आएगा, तकरीबन इसे 15 दिन लग जाएंगे, फिर मैं गया ही नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द बनवा लेंगे। अभी आपको दिखाते हैं जी हमारे गाँव का व्यू, माशाल्लाह शाम का टाइम है, सूरज थोड़ा सा रह गया है और येलो येलो शेड दे रहा है, इस टाइम पे बहुत ही मज़ा आता है। और अभी ठंडी ठंडी माशाल्लाह से हवा चल पड़ी है जी, ये देखें अभी हवा चल पड़ी है, दरख्तों के पत्ते भी हिल रहे हैं, वो देखें सामने सूरज रात थोड़ा सा। एक चीज़ और भी क्लियर करनी थी कि जो मेरे निकाह और शादी को लेकर लोगों ने स्कैंडल बनाया हुआ था, लोगों ने वीडियोज़ बनाई, जितने भी देखें, जब मैं शादी करूंगा, जब मैं निकाह करूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा, ये नहीं है कि मैं छुप के करूंगा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूंगा। ये बकरी यहाँ पे अकेली खड़ी हुई है तो इसलिए ये किले के बार बार घूम रही है, असल में इसे चारा यहाँ पे ज़्यादा होता है ना, चराने के लिए यहाँ पर बांध के रखते हैं कि भाग बना जाए, आराम से ये घास खा ले चर ले फिर इसे ले जाएंगे। बाकी वो सामने भेड़े भी चर रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा अपनी शादी, जब शादी करूंगा, जब निकाह करूंगा, हर चीज़ आप लोगों से डिटेल से शेयर करूंगा। तो आप लोगों से बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन भी लाजमी दबाया करें, ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझे इतने लोगों ने मैसेज किए जिस तरह के लोगों ने वीडियोस बनाए ना कि वसीम का निकाह हो गया, डेट फिक्स हो गई, तो इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे कि वसीम भाई डेट फिक्स हो गई है आपकी शादी की, आपने वीडियो में नहीं बताया, ये है वो है। तो मैं हैरान हो गया ना, मैंने कहा यार इतना कुछ हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी शादी है या मेरा निकाह हो गया है। तो इस तरह की ये लोगों ने सिचुएशन बना दी। हालांकि मेरे जो दोस्त थे ना, काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो ब्लॉगर भी हैं, वो भी कॉल करके पूछ रहे थे, जिनके साथ मैंने वीडियोस वगैरह पहले भी बनाई हैं, तो वो लोग भी पूछ रहे थे कि वसीम भाई आपने शादी कर ली है। मैंने कहा यार कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, अभी जब करूँगा और वीडियोस बनाऊँगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पिलाया है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह जब शादी करूँगा तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, तभी आपको सब्ज़ियाँ दिखाते हैं। अच्छा एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे कॉल की है, उसने मुझे कहा कि शादी की डेट फिक्स हो गई है माशाल्लाह और एक माह के बाद शादी है। तो मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कुछ, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरी फैमिली को नहीं पता, तो आप कह रहे हैं कि शादी की डेट फिक्स हो गया है एक माह के बाद शादी है, अल्लाह के बंदे। मैंने कहा मुझसे पूछ लो पहले कि मैं आपको क्या जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, नहीं भाई आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई आप मुझे बता नहीं रहे। तो मैंने कहा यार मैं क्यों ना बताऊँ आप लोगों को भाई, मैंने कहा यार मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगा, जैसे जैसे शादी होगी सबको शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह ये फुट वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखें और काफ़ी ज़्यादा लगे हैं माशाल्लाह, ये देखें ये पड़े हुए हैं जी। अभी ढूंढते हैं कोई पक्का मिल जाए तो। हाँ जी ये पड़े हुए हैं पक्के पक्के, लेकिन ये भी सख्त है, लगता नहीं ये पक्का है। ये दो हैं, ये तरबूज लगा हुआ है जी, ये देखें एक वो लगा हुआ है लेकिन अभी कच्चे हैं। अच्छा भाई फाइनली हमें एक मिल गया है, छोटा है लेकिन है पक्का, तो अभी इसे तोड़ लेते हैं यहाँ से ना, ये देखें। हाँ भाई अंबरसानियाँ भी आई हुई हैं लेकिन ये मैं खाऊंगा, आप लोग आप लोग खाओगे इधर तो। चलें भी अभी हम लोग घर जा रहे हैं यार, अभी ना गर्मी महसूस हो रही है, देखिए मुझे पसीना भी आ गया है, तो बाहर जितनी भी हवा हो ना तो पसीना आ जाता है। अभी सावन का महीना चल रहा है जिसकी वजह से क्या है, हाँ सावन है, सावन अभी शुरू हुआ है, सावन ख़त्म नहीं हुआ।